दक्षिण अफ्रीकी स्टार एबी डिविलियर्स ने कहा कि खेल से कुछ समय तक बाहर रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेट अब भी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हाल में वनडे कप्तानी छोड़ने के बाद टेस्ट में वापसी की घोषणा करने वाले इस बल्लेबाज ने कहा कि अब वह अपने करियर के आखिरी कुछ वर्षों का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं। डिविलियर्स ने यह कार्यक्रम के दौरान कहा, पिछले 12 महीने मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। इससे वास्तव में मुझे फिर से खुद को समझने का मौका मिला। मैंने आखिर में वनडे कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। मैं अब तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ और फिर से खेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब एहसास हो गया है कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने कहा, मैं अपने करियर के आखिरी कुछ वर्षों का पूरा लुत्फ उठाना चाहता हूँ। यह 3 से लेकर 5 और 7 भी हो सकते हैं, यह मैं नहीं जानता। मैं जब तक खेल का लुत्फ उठाता हूँ तब तक मैदान में बना रहूँगा। उनकी निगाहें भी अगले साल भारत के खिलाफ होने वाली श्रृंखला पर टिकी है। डिविलियर्स ने कहा, यह शानदार श्रृंखला होगी क्योंकि दोनों टीम वास्तव में अच्छी क्रिकेट खेल रही है। भारतीय श्रृंखला में पहले हालांकि हमें कुछ क्रिकेट खेलनी है, हम बांग्लादेश का दौरा करेंगे। भारत के खिलाफ श्रृंखला शानदार होगी। उन्होंने कहा, पिछली बार जब वे दक्षिण अफ्रीका में खेले थे तो उन्होंने कड़ी चुनौती पेश की थी। मुझे सचिन तेंदुलकर की दक्षिण अफ्रीका में आखिरी श्रृंखला याद है, हमने उसे 1-1 से बराबर कराया था। उम्मीद है कि भारत के खिलाफ खेलने के लिए मैं अपने अन्य साथियों के साथ मैदान पर रहूंगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।